बेस्ट लाइन कलेक्शंस में आपका इस्तकबाल है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अभय कुमार आपके सामने हाजिर हूं और मेरे साथ आज प्रोफेसर पद्मश्री अख्तरुल वासी साहब हैं। मैं और आप सब लोग जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जो इस्लामिक स्टडीज है वहां पे अख्तरुल वासी साहब वहां प्रोफेसर भी थे, HOD भी थे, और इसके अलावा ये लगातार अखबारों में, मैगजीन में लिखते रहे हैं, TV डिबेट में जाते हैं। और अगर कहा जाए तो दो कम्युनिटीज के बीच में ये एक ब्रिज का काम करते हैं। और मैंने सोचा कि आज के इस दौर में जहां पे सारी सियासत जो है वो नफरत, भेदभाव, तासुब इसी के आसपास इस सियासत को खेली जा रही है, तो मैंने सोचा कि जैसे कि सर सैयद अहमद खां भी कहते थे, जैसे कि महात्मा गांधी मौलाना आजाद कहते थे कि हिंदुस्तान जो है वो एक खूबसूरत दुल्हन है जिसकी दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं, और जब भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में इत्तेहाद मजबूत हुआ है वो ऐसा दौर था जब जितने भी नफरत करने वाले जो लोग हैं, बड़ी सी बड़ी जो ताकतें हैं जो जुल्म करना चाहती थी उनको भी पीछे हटना पड़ा। ये चीज हम खिलाफत तहरीक के दौरान देख चुके हैं, जब अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी, जमीयत उलमा हिंद, तमाम लोगों ने जब आजादी के लिए एक साथ जब लड़ाई लड़ी तो अंग्रेजों को भी पीछे हटना पड़ा। लेकिन जब हिंदू और मुसलमान के बीच में जब झगड़े, उनके बीच में इख्तलाफ बढ़ने लगे, जो 1940 और 1930 का की जो दहाई थी, तो हमने देखा कि मुल्क हमारा प्यारा हिंदुस्तान तकसीम हो गया। तो इसलिए जैसा कि हम लोगों ने अख्तरुल वासी साहब से सीखा है कि यूनिटी जो है, इत्तेहाद है, वो बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबत को एक मिनट के अंदर में उसको दूर कर सकती है। तो मैंने सोचा कि आज का जो डिस्कशन है हम उसी के आसपास रखें कि हिंदुस्तान में जो हिंदू और मुसलमान के जो के बीच में जो इत्तेहाद है उसको तोड़ने वाली जो ताकतें, जो सरगर्म है, उनसे कैसे मुकाबला किया जाए, और जो नफरत की सियासत है उसको शिकस्त देके प्यार, मोहब्बत, हमाहंगी की जो बात है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी मंशा के साथ मैंने अख्तरुल वासी साहब को आज मैंने दावत दी और ये बिल्कुल ये इन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर में इन्होंने इसको कबूल कर लिया। कुछ देर पहले तक ये गालिब इंस्टीट्यूट में थे, लेकिन हमारी और आपके तीन इनकी मोहब्बत है कि ये फौरन से तैयार हो गए। तो मैं अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से प्रोफेसर साहब का खुश आमदीद कहता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत सर। कहां से बात शुरू की जाए ये तो बहुत मुश्किल अभी का वक्त है, लेकिन एक चीज जो आजकल के नौजवानों में ये चीज उनके दिलों में, ये बड़ी गलत बात है और बहुत ही निगेटिव चीजें डेवलप हो रही है जो कि उनके अंदर में बैठती चली जा रही है उनको, वो ये है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ऊपर जो हाकिम बैठे हुए हैं वो किसी एक धर्म के मानने वालों के तईन वो जो डंडी, जो कहते हैं तराजू का ये जो डंडी है, उनके तईन जो कुछ अच्छा रुख अख्तियार करते हैं और दूसरे भाइयों के प्रति जो है सौतेला रुख अख्तियार करते हैं। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो सब लोग इस वक्त सत्ता में हैं वो बुनियादी तौर पे उनका एक एजेंडा है, और आप उन्हें इस बात के नंबर दीजिए कि उन्होंने उस एजेंडे को कभी छुपाया नहीं। एक बात तो ये, हम उनसे सहमत हों या न सहमत हों ये अलग बात है। दूसरी बात, वो एक धर्म विशेष के लिए भी सगे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो सिंघू बॉर्डर पे लोग जमा हैं जी, जो दूसरे दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स हैं उन पे जमा हैं, अपने घरों से आए हुए हैं, सर्दी में परेशान हैं,
जिनके ऊपर के पानी की बौछार भी हुई, जिनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, आप ये किसी धर्म विशेष के नहीं है, बल्कि इस भारत की मिलीजुली साझी संस्कृति के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनका के सही मानों में भारत माता की पवित्र धरती से जुड़ाव है, और जो के उसके भारत माँ की कोख से अपने लिए और हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, हासिल करते हैं और आप हम तक पहुंचाते हैं जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सरकार किसी एक धर्म विशेष के प्रति ही क्या मैं एक तरह से गलत कर रही है, बल्कि मैं समझता हूं कि ये जो है इससे औरों को भी शिकायतें हैं और इसको किसी एक धर्म विशेष के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन सर, अगर एक धर्म के खिलाफ नहीं है तो आपको भी मालूम है कि कुछ महीने पहले जब कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान सब लोग परेशान थे तो ये खास कम्युनिटीज को टारगेट किया गया। अब अदालत भी ये खुल के कह रही है कि ये पूरा का पूरा बलि का बकरा एक खास कम्युनिटीज को, एक खास तंजीम को बनाया गया, तो ये सारी चीजों को कैसे आप दरकिनार कर सकते हैं? मैं एक बात आपको मालूम है, आप भी लिखते रहे हैं, मैं भी लिखता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपने चूंकि एक बात पूछी थी कि किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ है या आप दूसरी तरह देखते हैं, मैंने आपको वो बताया कि ये खाली इनके अपना एक एजेंडा है, ये उस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बात आप समझे। तो अब उसके इनकी राह में जो रुकावट बनता है या ये जब तवज्जे हटाना चाहते हैं असल मामला पे, तो ये को किसी न किसी धर्म विशेष के लोगों को बीच में ले आते हैं जी। अब आपने जो बात कही, जो आपको याद है, हमें याद है कि जो दंग जो शाहीन बाग का पूरा एजिटेशन था पूरे मुल्क में, CAA NRC को लेके सारी क्या एक तरह से जद्दोजहद की गई, सत्याग्रह किया गया, एहतजाज किया गया, शाहीन बाग जो है वो देश में नहीं दुनिया भर के अंदर एक जो लोकतांत्रिक सत्याग्रह हो सकता है उसकी एक नई शैली के रूप में उभर के आया। मैं नई शैली क्यों कह रहा हूं कि पहली दफे मुसलमान औरतें जो है घर से जो नहीं निकलती थी सचमुच जी, और इस तरह के सामाजिक जो एक तरह से क्रांति थी उसके अंदर कोई भागीदारी उनकी नजर नहीं आती थी, वो पहली दफे निकल के आई और उन्होंने देश को एक नया आयाम दिया। और हमें ये पता, जो इल्जाम हम पे लग रहा था मुसलमानों पे कि ये अपनी औरतों को कैदी बना के रखते हैं, उनको बुरके की आड़ में जाहिल रखते हैं, उनको दुनिया में किसी चीज की खबर नहीं होने देते हैं, हम सब ने देखा कि मुसलमान औरतों ने जिनकी उम्र 16 साल से 80 साल तक थी, इन तमाम धारणाओं को, इस तमाम सोच को गलत साबित कर दिया। और इसके लिए मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जहां मर्द निकल के नहीं आ पाए थे वहां औरतें निकल के आई थी, और उसमें भी मुसलमान औरतें निकल के आई, और मुझे खुशी है कि हमारे नई पीढ़ी ने जो के जिनका धर्म कुछ था, जिनकी आस्था कुछ थी, जिनकी विचारधारा कुछ थी, उनकी बड़ी संख्या ने उनका साथ दिया मिलके जी। तो इस तरह से एक सेकुलर जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ महिलाओं की भागीदारी थी उसको हमने देखा, और उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की थी, और उसे दुनिया ने माना। प्रधानमंत्री के मुकाबले एक दबंग दादी जो है उसको दुनिया में तस्लीम किया गया, उसकी हैसियत को माना गया, ये अपनी जगह बड़ी बात है। एक बात यह मैं आपसे अवैध जी कहूं, उसकी तरफ तवज्जो अभी तक नहीं दी गई है, और वो ये कि ये औरतें जो निकल के आई अपने घरों से, इनके खिलाफ किसी मौलवी ने कोई फतवा नहीं दिया। वो मौलवी जो कि औरतों को पर्दे में रखने के लिए सबसे ज्यादा व्याकुल रहे हैं,
सबसे ज्यादा कोशिशें करते रहे हैं, उन्होंने इस मसले पर पहली दफा औरतों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, और इसके लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं कि वो एक तरह से वो सोच जो कि औरत को बुरके में कैद रखना चाहती थी उससे बाहर निकल के उन्होंने औरत को उसका रोल अंजाम देने के लिए आजादी दी और उसका कोई विरोध नहीं किया। ये मैं बात कहना चाहता हूं। और एक बात फिर आपसे कहना चाहता हूं कि सरकारें जो हैं उनका बेसिकली कोई धर्म नहीं होता है सिवाय सत्ता के। जाहिर बात है वो राजनीति में या सियासत में जो आए हैं तो सत्ता के लिए आए हैं, संन्यास के लिए तो आए नहीं है जी। और अफसोस ये है कि जो वादे करके वो आए उसके विपरीत उन्होंने काम किया। और पहली दफे हमने ये देखा कि हमारे देश के अंदर धर्म के आधार पे नागरिकता जो थी उसको तय करने की बात की गई, जिसका हम सब ने विरोध किया। और मुझे खुशी है कि इसमें इस मुल्क की सिविल सोसाइटी ने, छात्रों ने, छात्राओं ने, चाहे वो अलीगढ़ के हों, देवबंद के हों, दिल्ली के हों, जेएनयू के हों, जामिया के हों, कहीं के हों, बड़ा काम किया। आईआईटी के लोगों ने बड़ा काम किया। हम उन सबको सलाम करते हैं। और एक बात जो और बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि जेलों के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, अधिक हैं, ज्यादा हैं, यानी वो इस देश में अपने अनुपात से ज्यादा जेलों में है, लेकिन साथ में गैर मुस्लिम जो औरत और मर्द हैं, लड़के और लड़कियां हैं, वो भी जेलों में हैं, उन्हीं जुर्मों के अंदर जिनमें के मुसलमानों को भेजा गया है, वही लोग जिनको के कल एक तरह से सांप्रदायिक कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग किया कहा गया, अर्बन नक्सली कहा गया, तो उसमें किसी न किसी को लपेट के अंदर डाल दिया गया है। अच्छा सर, मैंने नौजवान लोगों से जो बात की, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो नौजवान लोग हैं वो कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि ये जो हम लोगों का जो जनरेशन है वो बिल्कुल अलग जनरेशन है, और हम लोग जब तहरीक को जो मतलब शहरियत कानून के खिलाफ में जो हम लोग तहरीक चला रहे थे तो मिल्ली तंजीम के जो लीडरान थे, चाहे वो मजहबी कहिए या सामाजिक कहिए या सियासी कहिए, उन लोगों ने हम लोगों के साथ ताउन नहीं किया। और कुछ ऐसे भी इदारे थे जिन्होंने रोड जाम करने के खिलाफ कहा कि नहीं ये सब चीजें ठीक नहीं है। तो आप लोगों को लग रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, वो आप लोगों से ज्यादा इनकलाबी है, उनके अंदर में ज्यादा जोश है, उनके अंदर में ज्यादा एक ताकत है मतलब जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का? एक जनरेशनल गैप मैं कह रहा हूं, जनरेशनल गैप आपके बीच में और जो नए बच्चे जो लोग हैं। नहीं, एक बात आप समझिए, नई पीढ़ी जो है हमेशा पुरानी पीढ़ी के आगे होती है, ये ख्याल रखिए। नई पीढ़ी जो है उसके अंदर एक नया बलवला होता है, नया जोश होता है, नया खून होता है, नई गर्मी होती है, तो जाहिरी बात है कि वो पुरानों के मुकाबले ज्यादा जागरूक भी होती है, संघर्ष करने की उसमें क्षमता ज्यादा होती है, उसके अंदर अपने जमाने को समझने की योग्यता ज्यादा होती है। मैं ये एक बात आपसे अर्ज करूं और नई पीढ़ी से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि उन्हें इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मिल्ली तंजीमों ने उनके जो जद्दोजहद थी, उनका जो संघर्ष था, उसमें हिस्सा नहीं लिया। क्यों? कि नई पीढ़ी जो है उसका वो मॉडर्न ही नहीं है जमाने के एतबार से, उसका मीडियम भी मॉडर्न है और उसका ईडियम भी मॉडर्न है, जबकि पिछली पीढ़ी जो है उसके पास ईडियम मॉडर्न मीडियम तो मॉडर्न है लेकिन उसके पास ईडियम जो है मिडिल है, और उससे कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है, सिर्फ कम्युनिटी के लेवल पे नहीं
बल्कि इंट्रा कम्युनिटी भी और इंटर कम्युनिटी भी। इसलिए नई पीढ़ी ने जो जद्दोजहद की वो मैं समझता हूं, और मुस्तकबिल भी उन्हीं का है। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अगर आज वो संघर्षरत नहीं होंगे, संघर्षशील नहीं होंगे, तो कब होंगे? पुरानी पीढ़ी के पास जाहिरी बात है कि वो एक तरह से ना तो सोच होती है ना जज्बा होता है। लेकिन एक बात मैं यहां उसके बाद भी कहूंगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनकी मदद को लोग नहीं आए, मुकदमों के मामले में, वकीलों के मामले में, अदालती चाराजुई के मामले में लोगों ने आवाज भी उठाई, और उसमें उनके लिए जो कुछ सहायता कर सकते थे जिस अंदाज से भी वो करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा आपसे अभय जी, के बात यह है कि हिंदुस्तान इससे अजीम नहीं बनता, इससे उसकी गरिमा नहीं बढ़ती कि अभय जी की मदद को कोई अशोक जी आ जाए, अख्तरुल वाजे की मदद को कोई नौशाद अली आ जाए, बल्कि हिंदुस्तान की जो शान बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है, गरिमा बढ़ती है, गर्व उसका क्या बढ़ता है, गौरव मैं होता है, वो काहे से होता है? जब अख्तरुल वासे पे वक्त पड़ता है और अभय कुमार सामने आते हैं, और अभय कुमार को जब तकलीफ होती है तो अख्तरुल वासे उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। ये बात हमें समझना चाहिए, सिर्फ ये सोचना कि मिल्ली तंदी में उसमें नहीं पड़ी। मैं समझता हूं ये बहुत ही अच्छा हुआ कि एक सेकुलर मूवमेंट जो है उसको कम्युनल कलर देने की जो कोशिश की जा रही थी वो उसमें कामयाबी इसीलिए नहीं मिली। हमें एक बात मैं आपसे कह दूं यहाँ पे, दरअसल मुझे कोई कहने में तकल्लुफ नहीं है, हिंदुस्तान जो बनता है भाई वो कैसे बनता है जी? हिंदुस्तान इस तरह बनता है कि गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र जी, नर्मदा, ताप्ती, राप्ती, जितनी नदियां हैं उनके सबके स्रोत लेना है, वो चलती हैं, चलते चलते अपने रास्ते बनाती हैं, और कोई गंगा में जाके क्या मैं कोई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, और कोई अरब सागर में, और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है वो दोनों जाके मिल जाते हैं हिंद महासागर में। और इसी तरह से जो हमारे विभिन्न धर्म हैं, जातियां हैं, हमारा जो की जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो भाषाएं हैं, हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, वो जब सब मिलती हैं तो उससे नया हिंदुस्तान वजूद में आता है जी। जिस तरह से कि उन दरियाओं के मिलने से अरब खाड़ी और बंगाल का, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है वो नए हिंद महासागर को जन्म देते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं एक बात बताता हूं, मुझे वो हिंदुस्तान पसंद है जिसके अंदर के सबसे अच्छा भजन कौन गाता है? मोहम्मद रफी जी। क्या भजन है वो? मन तरपत हरि दर्शन को आज। गाया रफी ने, लिखा शकील ने, संगीत बद किया नौशाद ने जी। और बेकसप करम कीजिए सरकारे मदीना, ये गाया किसने? लतताई ने। तो हिंदुस्तान इससे बनता है, हिंदुस्तान उन चीजों से नहीं बनता। लेकिन आजकल के नौजवान ये कह रहे हैं कि देखिए गंगा जमुनी तहजीब की बात करना, साझा विरासत की बात कहना, ये तो ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें बगैर हुकूक के मुतालबा किए हुए, हुकूक के लिए लड़े बगैर ये सारी चीजें बिल्कुल एक टोकनिज्म तक ही महदूद रह जाती है। तो आपके जो आपका जो जनरेशन था उसके ऊपर आजकल के नौजवान इस तरह से सवाल उठाते हैं, शायद आप लोग तकसीम है हिंद के बाद जो आप लोगों के ऊपर जो दबाव पड़ा हुआ था इस वजह से आप हुकूक को लेके, राइट्स को लेके उस तरह से जद्दोजहद नहीं कर पाए, क्या आप मानते हैं कि आपके जनरेशन से यह गलती हुई थी?
माफ कीजिएगा, मैं इस गलती का भागीदार नहीं। मैं 1964 में जब सातवीं क्लास में पढ़ता था, मेरी उम्र मात्र 13 साल थी, कलकत्ता रुड़केला जमशेदपुर में होने वाले भयानक सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ मैंने अलीगढ़ में सातवीं क्लास के स्टूडेंट ने 2 तकरीरें 2 बड़े जलसों में की, दोनों पे मुकदमा चला, गिरफ्तारी हुई, आखिर में सजा हुई। उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप की बहाली के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें 7 दफे जेल गया। मैं जून 73 से जनवरी 74 तक 7 महीने तक मीजा के अंदर बंदी बना के रखा गया बगैर किसी मुकदमे के। मैंने शबे बारात, रमजान, ईद सब जेल के अंदर किए। जी मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। मैं इमरजेंसी में अंडरग्राउंड रहा। तो बात यह है कि हमने जब अपने जमाने में भी आवाज उठाई थी, हम अपने कलम से अपनी जबान से संघर्ष करते रहे हैं, हमने कभी पसपाई नहीं दिखाई है, हमने राजनीति के माफ कीजिएगा बाजार में अपने आप को बेचा नहीं है। हम जानते थे कि राजनीति के बाजार में तवायफ का रोल अदा करके हम कुछ भी पा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम ये समझते हैं कि हुकूक के बगैर कोई बात बनने वाली नहीं है। जो कुछ दस्तूर में दिया गया है, जो कुछ हमारा संविधान हमें देता है, वो हमें मिलना चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम भागीदारी चाहते हैं। हम रियायत नहीं, शिरकत के तलबगार हैं। हम ये बताना चाहते हैं, हमारी एक सोच हमेशा से है, हम हमेशा कहते आए हैं और आज भी आपके सामने कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में मुसलमान को क्रिकेट के 12वां खिलाड़ी की हैसियत से नहीं देखना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी तो 11 खेलते हैं, लेकिन एक 12वां खिलाड़ी भी होता है जो नॉन प्लेइंग होता है। वो टीम का हिस्सा होता है मगर खेलने में उसे उसका रोल नहीं होता है। तो वो स्टेडियम में बैठा हुआ क्या सोचता रहता है? फील्डिंग कर सकता है, फील्डिंग कर सकता है, पारी ला सकता है। नहीं नहीं, फील्डिंग भी नहीं कर सकता 11 में जब तक वो क्या सोचता है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। वो स्टेडियम में बैठा हुआ, ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ एक इंजर्ड साइकी का शिकार होता है। और वो क्या होता है कि इन सालों में से जो 11 खेल रहे हैं, कोई हर्ट हो जाए और रिटायर हो जाए और फिर मैं जाऊं और जाके अपने जौहर दिखाऊं, अपनी टीम को जिताऊं और अपने देश का नाम ऊंचा करूं। हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को इस इंजर्ड साइकी का शिकार नहीं बनने देना चाहिए हमारी नई पीढ़ी को। जी हमारी नई पीढ़ी को भी पूरे हुकूक मिलने चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए अपने देश के विकास में और उत्थान में और प्रगति में उनका पूरा रोल होना चाहिए। हम इसके बिल्कुल उसमें हैं और हमने इस सिलसिले में किसी साझेदारी को और किसी सौदेबाजी को कभी गवारा नहीं किया है। अच्छा सर, जहां पे आपने बरसों गुजारा जामिया मिलिया इस्लामिया, वहां पे जो पिछले साल जिस तरह से पुरमन तरीके से मतलब सीए के खिलाफ जो एहतजाज हुआ और उसके बाद से आज से तकरीबन 1 साल पहले जिस तरह से वहां पे लाठियां बरसाई गई, जिस तरह से ज्यादती और जिस तरह से तशद्दुद अख्तियार किया गया, उससे लेके कहीं ना कहीं जो शांतिपूर्ण तरीके से जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनका दिल टूटा है। तो आप उन लोगों के साथ एकजहती जाहिर करते हुए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं एक बात आपसे कहूंगा, सच बोलिए, सच बोलने से बिल्कुल मत डरिए। जी
और ये याद रखिए कि जमहूरी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीकों से हमें अपनी बात को कहना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और इस सिलसिले में न डरना चाहिए और न किसी तरह से हमें किसी तरह का गिल्टी कॉन्शियस का शिकार होना चाहिए। याद रखिए ये देश हमारा है, हम इसमें बराबर के अधिकारी हैं, हम इस मुल्क के भागीदार हैं, किराएदार नहीं। इसलिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बच्चे और बच्चियों ने, जिसमें मुसलमान ही नहीं थे, सब तरह के लोग थे, उनके साहस को और उनके जोश को और उनकी जद्दोजहद को मैं शुरू से समर्थन देता आया हूं, अपनी जबान से, अपनी तहरीर से। आज भी मैं उनकी साथ हूं जी। ठीक है, मैं अपने स्वास्थ्यों के कारण की वजह से या दूसरी वजहों से मैं उस तरह से उनके साथ ना शामिल हो सकूं, लेकिन मैं उनके साथ नैतिक आधार पे, संवैधानिक आधार पे, जो एक तरह से मेरा उनका रिश्ता है, एक बाप के रूप में, एक उस्ताद के रूप में, एक बड़े के रूप में, एक भारतीय नागरिक, सीनियर नागरिक होने के नाते, मैं उसमें उनकी पूरी तरह साथ हूं। उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है ये बात कहने में। उनके साथ जुल्म ना हो, इसके लिए मैं आवाज उठाता रहा हूं, उठाता रहूंगा। याद रखिए कि जो लोकशाही है उसके अंदर लोगों का दमन नहीं होना चाहिए, उनको अपनी बात कहने का भरपूर मौका मिलना चाहिए। मैं जहां तक एनआरसी का सवाल है, जहां तक CAA का सवाल है, मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए जी। सबको समान अधिकार होने चाहिए, और उसके लिए मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को सिविल सोसाइटी के, जिन्होंने के न सिर्फ एसर्ट किया बल्कि उसके लिए तकलीफें उठाई और आज भी उठा रहे। अच्छा सर, आपको मैंने कई बार अखबारात के जरिए हमको ये बात पता चलती है कि आप कई बार बड़ी बड़ी हाई कमेटी जो होती है उसमें भी आप शामिल रहते हैं, बड़ी बड़ी मजलिसों में आप शामिल रहते हैं, जो सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी आप शामिल थे। तो हुकूमत के लोग आपके आसपास किसी न किसी मजलिस में, किसी न किसी प्रोग्राम में, जो आला जो अफसरान है या जो कहिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या मंत्री जी हैं, वो लोग आपसे मिलते रहते हैं, तो आप ये बातें उनको क्यों नहीं समझाते हैं? कभी ऐसा मौका मिला या कभी आपसे बातचीत हुई, आपने कभी उनसे ये नहीं बतलाया कि हिंदुस्तान की जो तारीख है वो कुछ और है? वो क्यों नहीं छोटी सी बातों को समझते हैं कि जोर और जबरदस्ती से ये जो मुल्क है वो आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि पीछे चलता चला जाएगा? देखो भाई अभय कुमार, एक तो ये कि मुझे जब मौका मिलता है मैं अपनी बात कहता हूं, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है जो बात आपने कही। और जब मैं जुड़ता हूं, बुलाया जाता हूं अपनी बात कहने के लिए, मुझसे कहा जाता है, तो मैं संकोच क्यों नहीं करता? मैं दूरी क्यों नहीं बनाता उनसे? इसलिए कि माफ कीजिएगा, मैं सरकार में और देश में फर्क समझता हूं। याद रखिए, सरकार जो है, और सरकार बदलती रहती है, संविधान अपनी जगह है जी। माली से अदावत है, मैं शैदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादारे वतन। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। इसलिए अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं अपनी बात कहता हूं, और जाहिरी बात है अगर मैं पक्की रोशनाई से हर हफ्ते अपने कॉलम में कोई बात लिख सकता हूं तो मुझे कहने में क्या तकल्लुफ है जी? क्योंकि लोगों को, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अपनी अपनी खिल्ली उड़वाऊंगा, अपनी पोजीशन को खराब करूंगा। सरकार के पास हर चीज जाती है, ऐसी बात तो नहीं है जी। इंटेलिजेंस की एजेंसियां जो हैं वो हर आदमी की गतिविधियों के बारे में सरकार को अवगत कराती हैं। तो मेरी तो क्या, मैं जो सोच है
वो पक्की रोशनाई से आपके कलम की तरह से क्या मैं हर महीने हर हफ्ते इनकलाब में या दुनिया के दूसरे किसी अखबार में छपती है, किसी ना किसी टीवी पे हम और अपने उस पर बात कहते ही हैं, नहीं कहते हैं जी, तो आप ये क्यों समझते हैं कि मैं उनसे नहीं कहूंगा। लेकिन माने ना माने इसका है उनको इख्तियार, हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाते हैं जी, हमारा काम कहना है जी, हम तो किसानों के मामले में भी कह रहे हैं जबकि हम किसान नहीं है, मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैं एक भारतीय नागरिक के तौर पे इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं एक कृषि प्रधान देश जो है उसका रहने वाला हूं, और मेरे बचपन से मेरे डीएनए में ये बात है कि उत्तम खेती मध्यम बान जी, तो मैं किसान जो है उसकी गरिमा उसकी मर्यादा जो है उसके खिलाफ कैसे सोच सकता हूं। अगर आज वो सड़कों पे आया है तो खुशी खुशी तो नहीं आया है जी, तो मैं आज उसकी भी बात कर रहा हूं, मैंने लिखा भी है उसके बारे में जी। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, लेकिन ये बात हमें ख्याल रखनी चाहिए हम हिंसात्मक ना हो। और एक बात जो मुझे खास तौर से मुसलमान नौजवान कि वो ये याद रखें कि दलील का जवाब दलील से देना चाहिए, गाली से नहीं, ये बात ख्याल रखनी चाहिए। दूसरे उन्हें ये कहते रहे लेकिन हिंदुस्तान से हमारी किस्मत जुड़ी हुई है, जो कुछ हिंदुस्तान के मफाद में है वही मुसलमान के मफाद में, इस बात को खूब समझना चाहिए। कुछ और ऐसा है या उन्हें मुसलमान नौजवानों को एक बात का ख्याल और रखना चाहिए, और मुसलमान नौजवानों को क्या सबको रखना चाहिए, रात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो सवेरा जरूर होता है जी, तो ऐसी बात नहीं है कि ये दिन हमेशा रहेंगे, या तो ये लोग सुधरेंगे और अगर नहीं सुधरे तो इनको हिंदुस्तानी समाज बदलने की क्षमता और शक्ति रखता है, वोट के अंदर बड़ी ताकत है, जमहूरियत जो है उसके अंदर बड़ी खूबी है। लेकिन सर कुछ मिली तंजीमों का यह कहना है कि प्राइम मिनिस्टर जब अपना वफ्त और अपना डेलीगेशन को जब तय करते हैं तो उनमें उन्हीं लोगों को बुलाते हैं, उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जो उनकी बात को आगे पहुंचाने के लिए तैयार होते हैं, और ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाता है जिनकी जड़ जो है ना तो मिलत में है ना तो किसी समाज में है। ऐसे लोगों को अगर अंग्रेजी अगर उस इस्तेमाल में इस्तेमाल करूं तो प्लांटेड लोग हैं ऐसे लोग, तो क्या इस तरह की मीटिंग में अगर दावत मिले तो क्या इसका इसकी इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए? सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि एक जो क्या डेमोक्रेसी है उसके अंदर संवाद के अलावा कोई रास्ता है, जो मैं बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, संघर्ष भी होना चाहिए संघर्ष भी होना चाहिए, मैं जो बात कह रहा हूं पहले आप समझिए, साथ में संवाद भी होना चाहिए, और संघर्ष और संवाद साथ साथ चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सरकार को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो ये कहे कि हमने तो पेशकश की थी बात करने की लेकिन उन्होंने बात नहीं की। सवाल ये है अगर हम सरकार के पक्षधर हो पूरी तरह से और जो समुदाय विशेष है उसकी समस्याओं से मुंह मोड़ रहे हो तो शिकायत होनी चाहिए, लेकिन अगर हम सरकार के न्योते पे जाएं और समुदाय विशेष की बात कर रहे हो तो फिर काय के लिए शिकायत होनी चाहिए, ये एक सवाल है, हमें भी सोचना चाहिए जी। देखिए हमें एक बात ये नहीं भूलना चाहिए अभय जी के सरकार एक लोकशाही में काय के जरिए आती है, चुनाव के द्वारा आती है जी, चुनाव में जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो ज्यादा सीटें ले आता है,
ज्यादा सीटें ले आके वो अपने एजेंडे को नाफिज करता है। हम उस एजेंडे से पूरी तरह सहमत हो या ना हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि अपने जैसे उनका एजेंडा है ऐसे ही हमारी भी सोच है जी, हमारा भी एक एजेंडा है। हम वो बुनियादी तौर पे अगर हमारे बीच में एक तरह से खलल पैदा करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं जी, मिसाल के तौर पे, ये बात अपनी जगह हमें माननी चाहिए, समझनी चाहिए। हमें बुनियादी तौर पर अगर दावतनामा मिलता है तो मना नहीं करना चाहिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल लाहौर से तो उन्होंने कभी रुजू नहीं किया, कभी उनसे उनकी राय नहीं जानी। एक ऐसा बिल बनाया जिसमें मुसलमानों को, मर्दों को 3 साल की उन्होंने सजा का भी ऐलान कर दिया। तो ये तो यूनिलेटरल एक तरफ से हो रहा है, किसी मामले में बुला रहे हैं, किसी मामले में किसी को नहीं बुला रहे हैं। सर ऐसा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में आपने जो बात कही है, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों की मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव क्या मैं एक तरह बॉडी मानता हूं, ये बता दूं आपको मैं। लेकिन उनकी हर बात से मेरा सहमत होना जरूरी नहीं। मैं यहाँ आपके, चूंकि आपने बात छेड़ी है और आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे पीएचडी किया है, तो ये बता दूं कि दिसंबर 1974 में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कन्वेंशन हुआ था बॉम्बे में, उसमें 72 में जो कन्वेंशन हुआ था उसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग गए थे, नौजवानों की हैसियत से बुलाए गए थे जी, जी। और वहां पर जी और नहीं YMCA ग्राउंड में, YMCA ग्राउंड में हुआ था जी, अली में नदवी साहब भी थे जी, जी सभी। अरे उसमें मुसलमानों का कौन सा वर्ग था जी, कौन सा फिरका था, कौन सा सेक्शन था जो ना हो, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपसे। और नहीं, जो बात आपसे अर्ज कर रहा हूं वो ये कि वहां पे जो रेजोल्यूशन पास हुए उसका अनुमोदन करने के लिए नौजवानों की तरफ से जिस आदमी को अवसर, जिस लड़के को अवसर मिला वो मैं था जी। मैं 1974 में जेल से निकलने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी रहा हूं, आप इतला के लिए अर्ज कर दूं, बंबई यूसुफ पटेल साहब जी वगैरह की दावत पे, कारी तैयब साहब उस वक्त सदर होते थे, मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब जनरल सेक्रेटरी होते थे, मुझे ये पूरी तरह से वो है। लेकिन फिर मैं वहां से हट भी गया, क्योंकि देखिए एक बात आप समझिए, सरकार ने जो कानून बनाया मैं उससे सहमत नहीं हूं, इसलिए कि मेरा अपना ये मानना है कि किसी धर्म विशेष के बारे में कोई हस्तक्षेप करने से पहले उसके धर्म गुरुओं से बात होनी चाहिए, और खाली एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन के हित में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो सिर्फ न मर्दों के लिए, न औरतों के लिए, न बच्चों के लिए, न बूढ़ों के लिए है, वो सामूहिक रूप से पूरे समुदाय के लिए है। और उसमें जो धर्म गुरु हैं उन्हें इस पे आमादा करना चाहिए कि वो अपने यहाँ पैदा होने वाले उन्माद और समस्याओं पर विचार करें, उनका समाधान देखें, ये मेरा अपना मानना है। सरकार ने जो हस्तक्षेप किया वो राजनीतिक कारणों से किया, वो वोट बैंक की राजनीति के लिए किया, मुझे उस पर कोई एक बात कहने नहीं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानों के मामले में जो स्टैंड लिया था दी, और तीन तलाक के बारे में मैंने सियासत, मैंने इंकलाब में भी लिखा, मैंने ये बात बुजुर्गों से भी कही,
और आपने बात गाई थी कि मिल्लत की जिम्मेदारी थी उस शाहबानों की जो जी जी उनके जो खर्चा उठाने की। देखिए मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, मैं जो अभी बात कह रहा था आपसे, आप अगर अपनी दुखियारी माओ बहनों बेटियों से, जिनको के तीन तलाक का शब्द इस्तेमाल करके घरों से निकाल दिया गया है, उनकी समस्याओं का समाधान आप नहीं करेंगे, उनके दुखों को आप नहीं बांटेंगे, उनके लिए आप हल तलाश नहीं करेंगे, आप उनसे क्या बातचीत नहीं करेंगे, तो माफ कीजिएगा उसका फायदा मोदी और अमित शाह ही उठाएं। जी सर, एक सवाल और आप बता दीजिए, एक और मैं पूछूंगा फिर हमारी जो गुफ्तगू होगी वो खत्म हो जाएगी। ये चीजें अखबारात में आती हैं और इसको जो कट्टरपंथी जो लोग हैं वो लोग इस बात को बहुत फख्र के साथ कह रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों के नाम पे सियासत करते थे या जो मुसलमान को एक बड़ा प्लेयर सियासत में मानते थे उनके दिन लग चुके हैं और हम क्या करेंगे अपने शर्तों पे, मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर में हम अपने शर्तों पे लोगों को हम बुलाएंगे और हमारे तंजीम में लोग शामिल होंगे और जो हमारे साथ नहीं आएंगे वो अलग थलग पड़ जाएंगे। क्या लग रहा है कि इस तरह की उनकी कोशिश कभी कामयाब हो पाएगी या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के लेवल तक ही है कि कम्युनिटीज को डिवाइड करना है, जो लोग हमारे साथ आएंगे उनको हम लोग फ्रूट्स देंगे और बाकी लोगों को हम लोग छोड़ देंगे। देखिए एक बात आप समझिए, ये चीज चलने वाली नहीं है। अरे भाई, जब उद्धव ठाकरे तुम्हारे साथ नहीं रहे जी, जब तुम्हारे साथ सुखबीर बादल नहीं रहे जी, जब तुम्हारे साथ राजभर नहीं रहे, तो आप कैसे दूसरों के लिए बारे में ख्वाब देख रहे हैं? ख्वाब देखने का हर मुंगेरी लाल को सपने देखने का अधिकार है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मुसलमान की जो नई जनरेशन है उसके अंदर एक नई चेतना है। बात यह है, ये चेतना जो है ये चिंतन की कोख से जन्मी है। और वो चिंतन क्या है? वही चिंतन जिसको बार बार आप दोहरा रहे हैं मुसलमान नौजवान की तरफ, वो उस चिंता के नतीजे में चिंतन हुआ और अब वो चेतना में बदल रहा है, जो ये मानती है कि हमें अब बंधुआ मजदूर बनके नहीं रहना है, बंधुआ वोटर बनके नहीं रहना है। माफ कीजिएगा, वो अगर कांग्रेस को रास्ता बता सकती है, वो अगर बीएसपी को रास्ता बता सकती है, वो अगर एसपी को रास्ता बता सकते हैं जी, वो अगर कम्युनिस्टों को बंगाल में रास्ता बता सकते हैं, तो माफ कीजिएगा दूसरों की औकात क्या है, एक बात समझिए। अच्छा सर, और जामिया मिलिया इस्लामिया में बहुत वक्त गुजारे हैं, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। 100 साल हो गए उसके, आपके मजामीन भी आए थे, इनकलाब में भी आए थे, सहारा में भी मैंने देखा था, तो कुछ बदलते हुए जामिया, कुछ जामिया की आपकी कुछ यादें अगर कुछ ये कहना चाहते हो इसके हवाले से, तो बहुत सारे लोग जामिया के जो तलबा है वो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और जो लोग जामिया में दाखिला लेना चाहते हैं वो भी आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, जामिया कल और आज। जी, जामिया जो है उसकी स्थापना महात्मा गांधी के आशीर्वाद, शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन की दुआओं, मोहम्मद अली जौहर की सत्य निष्ठा जी, हकीम अजमल खान और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, एएम ख्वाजा और जाकिर हुसैन के एक तरह से कुर्बानियों का नतीजा है। ये जामिया इसलिए कायम की गई थी कि हम अगर 1920 की बात है कि अगर अपने मुल्क को फौरी तौर पे आजाद नहीं करा सकते तो अपनी तालीम को, अपनी शिक्षा को तो आजाद करा ले साम्राज्य से, और इसलिए जामिया कायम हुई। और जामिया के कयाम का एक मकसद ये था कि मुसलमानों की नई नस्ल में ऐसे लोग पैदा किए जाएं जो कि हिंदुस्तानियत और इस्लामियत का बेहतरीन ब्लेंड हो जी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया इसलिए कायम हुई थी कि वो जो मुसलमानों का निम्न वर्ग है उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सके। जामिया आगे बढ़ रही है, जामिया को 1920 में कायम हुई,
1947 में फौरन बड़ा स्थान मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। 1963 में जाकर डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनी, 1988 में जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन जामिया ने अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपना इल्मी जो मर्तबा है उसे दुनिया से मनवाया है। आज कहीं जो भारत सरकार का अपना शिक्षा मंत्रालय है वो उसे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पहले पायदान पर खड़ा करता है जी। दूसरी तरफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका की, वो उसके प्रोफेसर को क्या केमिस्ट्री में नंबर एक करार देती है। तो ये जामिया की एक खूबी है। जामिया आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूं नई नस्ल को आगे आना चाहिए, जामिया को गले लगाना चाहिए, जामिया के साथ जुड़ना चाहिए। और सरकार से मुझे सिर्फ ये कहना है कि 100 साल जामिया के और अलीगढ़ के दोनों के पूरे हो गए हैं, इनको एक अल्पसंख्यक जो स्वरूप है उसके साथ बने रहने देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सेकुलरिज्म जो है वो मजबूत होता है और हमारी जमहूरियत जो है उसकी शान बढ़ती है। सर आखिरी सवाल जिससे मैंने शुरुआत की थी, चाहे सर सैयद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे मौलाना आजाद हो, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो खूबसूरत जो दुल्हन है उसकी दो आंखें हिंदू और मुसलमान है। और आज की गुफ्तगू में हमने और आपने ज्यादातर मुखातब जो है वो नौजवानों को किया, तो दोनों कम्युनिटीज के जो नौजवान हैं उनके लिए आप एक आखिरी पैगाम जो है इस मुश्किल की घड़ी में, इस नफरत अंगेज सियासत के बीच में, आप उनके लिए कुछ मुस्बत, कुछ अच्छा मैसेज आप उनको दे दीजिए कि वो इसका मुकाबला कैसे करें। मौलाना आजाद ने कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर की हैसियत से इसी दिल्ली में एक खुतबा दिया था कांग्रेस के अधिवेशन में, स्पेशल अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने जो बात कही थी उसी को दोहराता हूं। अगर एक फरिश्ता आसमान की बुलंदियों से उतर कर आए और कुतुब मीनार की चोटी पर खड़े होकर ये कहे हिंदुस्तान को आजादी अभी मिल सकती है बशर्ते कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए, तो मैं हिंदुस्तान की आजादी या स्वराज जो है उसको छोड़ दूंगा लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नहीं, क्योंकि स्वराज मिलने में अगर कुछ देर हुई तो सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान होगा लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और एकता अगर जाती रही तो उससे मानव जगत का, आलम इंसानियत का नुकसान होगा जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज भी इसी की जरूरत है कि हम इस बात को जानें, इस बात को माने, इस बात को आगे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ी जरूरत है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। और आज मुझे फिक्र मुसलमान की नहीं है, मुझे फिक्र हिंदुस्तान की है, मुझे फिक्र हिंदू की नहीं है, मुझे फिक्र हिंदुस्तान की है। आइए हम और आप मिलके एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जिसके बारे में फख्र से कह सकें कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। या गालिब के जबान में आइए दुआ के लिए हाथ उठाएं और क्या दुआ करें कि है लालो गुलो नसरी जुदा जुदा हर रंग में बहार का इस बात चाहिए, यानी रंगों की और खुशबू की जो बहार है वो जारी रहे और हिंदुस्तान फलता फूलता रहे, हिंदुस्तान तरक्की करता रहे और इसके अंदर हम एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आए। सर सैयद, गांधी और आजाद ने जो रास्ता दिखाया, नेहरू और पटेल ने जो हिंदुस्तान बना के हमें दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस हिंदुस्तान को एक नई दिशा और दशा दी, हम उसके लिए काम करें, उसको बेहतर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें कही और ये जो आज का जो मैसेज गया है वो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया है और इसमें हमने जो बात की है वो हिंदुस्तान की है, हमने हिंदू और मुसलमान की बात नहीं की। अख्तरुल वासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर हम लोग जो जामिया में आपके साथ सेमिनार में आपको बुलाते थे और आपसे सीखते थे
वो दिन फिर एक बार याद हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, आदाब सर, गुड नाइट, फिर हम आपको किसी न किसी मौके पे बुलाएंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, तरक्की कीजिए।